नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं निरहुआ पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे के बारे में, और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को क्यों नहीं मिला है और इसके बारे में भी आज हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, कल मुंबई में BFA अवार्ड था, यानी भोजपुरी फिल्म अवार्ड था, 17वां अवार्ड शो था, और वहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार थे। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, निरहुआ जी, चिंटू पांडे, अमरपाली दुबे, यानी बहुत सारे मतलब कलाकार थे वहाँ पे, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और कुछ लोगों को छोड़कर। अब चलिए बात कर लेते हैं किसको किसको वहाँ पे अवार्ड मिला है। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ, भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है फिल्म सिरे हिंदुस्तान के लिए, और अमरपाली दुबे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है लागल रहो बतासा के लिए, यानी लागल रहो बतासा एक फिल्म है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड वहां पे प्रदीप पांडे चिंटू को भी दिया गया है। हाँ, एक बात और आप सभी को बता देना चाहता हूँ, कोरोना के आने से लॉकडाउन लग जाने की वजह से 2020 में और 21 में अवार्ड शो नहीं किया गया था, और दोनों अवार्ड शो को 2023 में एक ही साथ करा दिया गया है। एक में निरहुआ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और दूसरा में प्रदीप पांडे चिंटू को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। हालांकि चिंटू पांडे को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, ना तो चिंटू पांडे ने भी बताया, लेकिन निरहुआ जी का कन्फर्म है, निरहुआ जी की फिल्म सिरे हिंदुस्तान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है निरहुआ जी को। अब बात रही पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को अवार्ड मिला है या नहीं मिला है, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को भी अवार्ड मिला है लेकिन बेस्ट का अवार्ड नहीं मिला है। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ज्यादा एल्बम पे ध्यान देते हैं, ज्यादा एल्बम गाना गाते हैं, इसीलिए इन लोगों को साइड कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। और बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसको मिला है इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही मिलती है तो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हाँ तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। और दोस्तों, निरहुआ जी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे का वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।